आप स्ट्रेट लाइन में आप सबका स्वागत है। आज हम पटनी टॉप आए हुए हैं और पटनी टॉप में लाइफ डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट और डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जे एंड के जो है आज मिलके जो है यहाँ पे एक प्रोग्राम करवा रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के साथ। और हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं डीएफओ जम्मू हैं। सर क्या कहना चाहते हैं, इको ट्रैक्स का आह्वान जो हो चुका है तो क्या आने वाले वक्त में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको एज ए जॉब क्रिएट करेगा, यहाँ पे जो है जो रूट जो बच्चे इनको बताएंगे यहाँ के टूरिस्ट को, क्या ऐसी कोई एक्टिविटी भी यहाँ देखी जाएगी बाहर के जो है लोग यहाँ पे आए? जी देखिए, डिपार्टमेंट ने जैसे आपने खुद ही कहा कि 11 जो इको ट्रैक्स हैं वो नोटिफाई किए हैं गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ एरियाज़ में, उन्हीं को प्रमोट करने के लिए एवरी मंथ वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट एक मतलब एवरी ट्रैक पे हम कोशिश कर रहे हैं कि सिविल सोसाइटी के लोगों को, स्टूडेंट्स को इनवाइट करें और उस ट्रैक को थोड़ा सा अवेयर करवाएं पब्लिक को, ताकि वो लोग भी उस नेचर को वहाँ इंजॉय कर पाएँ। रही बात जो इको गाइड्स की आप कह रहे हैं, वो डिपार्टमेंट ने अभी एक स्टेप आई थिंक 2-3 मंथ बैक ही हमने किश्तवाड़ हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क में इको गाइड्स को ट्रेन किया है। इसी तरह की ट्रेनिंग जो है हम अदर प्रोटेक्टेड एरियाज़ में भी करने जा रहे हैं, होपफुली इन फ्यूचर हम जल्दी ही शुरू करेंगे। लोकल जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको हम ट्रेन करेंगे और वो जैसे इको टूरिज़्म बढ़ेगा उनको गाइड करते हुए इको टूरिज़्म से अपने जो लिवलीहुड है उसको भी जनरेट कर पाएंगे। तो जो बाहर के लोग आपको अभी देख रहे हैं जो चाहते हैं कि इन फॉरेस्ट को एक्सप्लोर किया जाए, ट्रैक किया जाए, तो उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, आप वाइल्ड लाइफ और नेचर को इंजॉय करना चाहती हैं तो डेफिनेटली फॉरेस्ट में आना पड़ेगा आपको, और मोस्ट वेलकम है आपका, डिपार्टमेंट आपको हमेशा वेलकम करेगा और करते आ रहा है। वाइल्ड लाइफ एरिया में डेफिनेटली अगर आपको विजिट करना है जब आपको परमिशन चाहिए होती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, आप इमिडिएटली हमारी डिपार्टमेंट की जो साइट है उस पर इन्फॉर्मेशन अपनी मेल ड्रॉप कर लीजिए कि हम वाइल्ड लाइफ में इसमें ट्रैक करना चाहते हैं, तो यू विल गेट परमिशन और हमारा जो डेडिकेटेड स्टाफ है वो आपके साथ रहेगा ताकि आपकी जो सेफ्टी है वो भी सिक्योर की जाए ड्यूरिंग ट्रैकिंग इन द वाइल्ड लाइफ एरियाज। तो सर क्या मैसेज है पूरी जम्मू की जनता के लिए, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए? देखिए, जम्मू की जनता के लिए तो मैं यही कहूँगा कि दुनिया भर से, पूरे वर्ल्ड ओवर से लोग जम्मू में घूमने आते हैं और इसकी नेचर को अप्रिशिएट करते हैं, एंजॉय करते हैं। और जैसे मैम ने कहा कि अगर हम लोगों ने ये नेचर देखा नहीं तो हमारा जम्मू में रहने का फिर कोई, जम्मू में पैदा होने का, जम्मू में रहने का फ़ायदा नहीं है फिर। तो डेफिनेटली मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा आपके मीडियम से सभी को कि आप ज़रूर विज़िट करें, बहुत ब्यूटीफुल एरियाज़ हैं हमारे फॉरेस्ट एरियाज़ जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, हम उनको नहीं देख पाए हैं किसी भी रीज़न से। अभी गवर्नमेंट उनको चैनलाइज करने की कोशिश कर रही है, एक ऑथेंटिकेट करने की, ताकि आपकी सेफ्टी भी इंश्योर की जाए। इसलिए डिफरेंट इको ट्रैक्स जो फॉरेस्ट एरिया में, वाइल्ड लाइफ एरियाज में गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं, और आप मैक्सिमम आने की कोशिश करिए, इन ग्रुप्स आइए ताकि एक पब्लिक को भी जो इन सराउंडिंग विलेजेस जो इन प्रोटेक्टेड एरियाज में रहते हैं उनका भी एक लिवलीहुड जनरेट हो और हमारा जो कल्चर है वो भी मेंटेन रहे, जो विलेजेस में लोग रहते हैं हम आपस में इंटरेक्ट कर पाएँ और उनको एक लिवलीहुड का वे भी मिल जाएगा। और आप उनके इंटरेक्ट करके बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, वाइल्ड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी या अदर सोशल इश्यूज़ भी होंगे, वो भी आप लोगों से इंटरेक्ट करके जान पाएंगे। और आई थिंक एक जो इंटरेक्शन जो सिटीज़ के लोगों का और गाँव का होगा वो गांव की तरक्की में भी बड़ी आई थिंक रोल प्ले करेगा। जो हमारे साथ जुड़े हुए थे डीएफओ जम्मू भी, तो उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा कि ये फॉरेस्ट खुले हुए हैं, सिर्फ प्रॉपर परमिशन आपने चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से लेनी है और उसमें बाजाबता वेबसाइट है, आप सब लोग उस वेबसाइट पे जो है अप्लाई कर सकते हैं और अपनी परमिशन ले सकते हैं और इन खूबसूरत वादियों को जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं, खूबसूरत फॉरेस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो आजकल के बच्चे हैं तो वो 2,000-3,000 रुपया खर्च करके जिम्स में जाते हैं मशीन्स के साथ। मैं उनको कहूँगी भाई आइए ये ट्रैकिंग करिए महीने में 2 बार, तो आपका पूरा ब्लड सर्कुलेशन, आपके लंग्स इन प्लांट्स के साथ रहिए, ऑक्सीजन लीजिए इनकी, इनको जानिए, तो आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ और आपका जो ग्लो है वो कैसे आता है। जो आप स्टीरॉइड्स खाते हैं, जो आप मशीन्स के साथ लगे रहते हैं। सेकेंडली, विद इन लास्ट फ्यू ईयर्स मैंने ये देखा है कि हमारा जो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है इट्स वर्किंग वेरी हार्ड टू मेक दीज ट्रैक्स एंड अदर टाइप ऑफ थिंग्स। और हमारी स्टेट इतनी खूबसूरत है, और अगर आप यहाँ पे पैदा होके अपनी इस स्टेट को नहीं एंजॉय करेंगे तो फिर क्या।
मतलब ऐसा देखा जाता है हिमाचल उत्तराखंड इन सब इलाकों में जो है ट्रैकिंग एक जो है बाज़ाब्ता जॉब क्रिएट करता है। और हमारे जम्मू में एक चीज़ देखा गया है कहीं ना कहीं जो है कंजर्वेटिव सोसाइटी है तो लड़कियों को बहुत कम जो है इन ट्रैक्स में भेजते हैं। तो क्या मैसेज आप देना चाहते हैं उन पर? यही देना चाहूँगी दैट प्लीज़ कम टू आर डिपार्टमेंट। मुझे लगता है फील्ड में लड़कियाँ ज़्यादा अच्छी कलेक्शन में स्टडीज़ में दे आर शोल्डर टू शोल्डर विद द बॉयज़। तो ये इसमें ये नहीं होना चाहिए कि लड़कियां हैं या लड़के हैं। एंड गर्ल्स शुड आल्सो कम आउट एंड सी द ब्यूटी। ऐसी कंजर्वेटिव सोसाइटी मुझे नहीं लगता है दैट वी आर डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन दैम। आती हैं और करेंगी एंड आई होप एटलीस्ट नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में ये बच्चे बहुत इन्जॉय करेंगे नेचर को जिस ढंग के ये सुंदर से ट्रैक्स हैं। मतलब मैं तो बार बार आऊँगी। आई डोंट नो अबाउट दैट। एक मौका दिया है आज यहाँ पर सुदमादेव कंजर्वेशन रिजर्व में एक एक्सप्लोरेशन टाइप ऑफ ड्राइव चलाने का और हम एक ड्यूअल पर्पस को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी आपको पता है उनका मैंडेट है एकेडमिक्स के साथ साथ रिसर्च और एक फॉरेस्ट एक ऐसा एरिया है जहाँ पर काफ़ी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं और आज सबसे ज़्यादा चर्चा सस्टेनेबिलिटी की हो रही है। रिसोर्सेज को मैपिंग करना, उनको डेटा रिकॉर्डिंग करना, उनका डेटाबेस बनाना और ख़ास करके इसलिए बनाना कि उनकी मॉनिटरिंग के साथ साथ उनकी कंजर्वेशन हो पाए। तो उसी के हवाले से एक नेशनल मिशन फॉर हिमालयन स्टडीज़ का एक जो प्रोजेक्ट है उसके तहत हमें मैंडेट मिला है टू स्टडी द वाइल्ड मशरूम्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ख़ास करके जो ऐसे इलाके हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, अंडर स्टडीड हैं, वहाँ पर जाकर वो देखना कि किस प्रकार की मशरूम्स की प्रजातियाँ जो कि जंगली हैं और उनमें से काफ़ी सारी ऐसी हैं जो हमें पता ही नहीं है, जो विच आर येट टू बी डिस्कवर्ड। तो वो एक मकसद तो वो था और दूसरा साथ में ये भी देखना कि बायो डाइवर्सिटी कंजर्वेशन रिजर्व्स उनका रख रखाव कैसे होता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग कैसे चलती है, वो आम आदमी को शायद इतना गहनता से पता नहीं होता। तो उस मकसद को लेके भी हम आए हैं और आप ये देख रहे हैं हमारे साथ कोई 20-25 जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं और साथ में फैकल्टी हैं और हमारे साथ प्रोफेसर नम्रता जी भी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी से सीनियर प्रोफेसर हैं, तो इनके भी रिसर्च स्टूडेंट्स हैं। तो हम ये देखेंगे कि इस फॉरेस्ट के अंदर इसकी कंपोजिशन क्या है, किस प्रकार की वेजिटेशन है, किस प्रकार का फ्लोरा है और साथ साथ में मशरूम फ्लोरा कौन कौन सा है एंड ऑफकोर्स वाइल्ड लाइफ के बारे में, जैसे हमारे गुप्ता सर पहले बता रहे थे कि इनके पास कौन सी नायाब प्रजातियाँ हैं वाइल्ड लाइफ की जो कुछ इन्होंने ऑलरेडी कंजर्वेशन के अंदर लाई हैं और जो कईयों को ये कंजर्वेशन करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें डेटा की ज़रूरत होती है कि किसकी कितनी तादाद है और उसके हिसाब से इनकी फिर प्लानिंग चलती है। और आज आप ये देख रहे हैं कि इन्होंने एक बहुत अच्छा इको स्टॉप करला एरिया यहाँ पर है, ये एंट्री पॉइंट है इस बायोस्फीयर ये कंजर्वेशन रिजर्व का और अंदर हम ट्रैकिंग के साथ साथ थोड़ा जो यहाँ का फ्लोरा है उसको भी स्टडी करेंगे और ओवरऑल मकसद ये है कि जो मासेज हैं उनको अवेयर करना है कि लुक वी गेट ऑल थिंग्स ऑल आर रिसोर्सेज फ्रॉम फॉरेस्ट। यशपाल जी, जैसे कि आज ट्रैकिंग है पटनीटॉप से लेके सुद महादेव में, ये बहुत ही लंबा ट्रैक है, 3.5 घंटे का ट्रैक है, तो आपको लगता है क्योंकि बच्चे जो यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं मोस्टली जो है वो सिटीज़ के होते हैं, उनको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल है, आपको लगता है कि आने वाले वक्त में यूनिवर्सिटीज़ को जो है बच्चे जो है भेजने चाहिए ट्रैकिंग के लिए? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल मेरे माइंड से ये स्किप हो रहा था, लेकिन हमारे लिए लंबा नहीं है बिकॉज़ हम तो यूज़ टू हैं, लेकिन यस, आज जो हमारे यंगर जनरेशन है उनको ना अपने कमरों से निकलने की ज़रूरत है, लैपटॉप छोड़ने की ज़रूरत है कुछ समय के लिए, और ख़ास करके जो यंगर जनरेशन है जिनकी सीडेंट्री लाइफ हो गई है और नॉट ओनली कि जो एकेडमिक्स में है या रिसर्च में है, इवन जो सिविल सोसाइटी है या बिजनेस में जो लोग हैं या बाकी प्रोफेशन में हैं, दे शुड कम, दे हैव ऑल फैसिलिटीज़, लुक एट द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जगह जगह पर उन्होंने जो विश्राम स्थलियाँ बनाई हैं और वहाँ पर ईजी होने के भी सारे इन्होंने प्रबंध किए हुए हैं। तो मुझे ये लगता है कि नेचर के साथ कनेक्ट होने का ये सबसे बड़ा मौका होता है एंड वंस यू कम एंड कनेक्ट विद द नेचर, ऑल योर स्ट्रेसेस, ऑल योर वरीज, दे वैनिश। और ये ट्राई करेगा कोई तो तभी पता चलेगा। तो रिसर्च के साथ साथ एकेडमिक्स के साथ एक लेजर जो फॉरेस्ट में होता है, जो कुदरत के साथ आप जुड़ते हैं कि किस प्रकार से ये जो त्यागी तत्व हैं जिनको पौधे बोलते हैं, ट्रीज बोल रहे हैं, कि कितना कुछ हमें यहाँ से मिलता है, एटलीस्ट हम इनसे आगे कुछ रूबरू तो हों, इनसे कुछ बातें तो करें और हमें पता तो चले कि हमारे आसपास प्रकृति बसती है
और किस प्रकार की प्रकृति बसती है, शायद इसका ज्ञान हमें ऑन फील्ड ही हो सकता है। और ये एक ट्रेनिंग वर्कशॉप भी हम साथ साथ में इसको लेके चल रहे हैं कि ऑन फील्ड ट्रेनिंग इन स्टूडेंट्स को, रिसर्चर्स को दी जाए, सो दैट ये आगे जाके इसको डिसेमिनेट करें। सो ये एक बड़ी अच्छी समन्वयता है कि जहाँ फॉरेस्ट के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ मिलकर हम फॉरेस्ट के बारे में जानें, और जो हम करते हैं वो इनको बताएं, और हम दोनों मिलके मासेस को बताएं कि हाउ वी आर कंसर्न्ड अबाउट आर बायोडाइवर्सिटी, बिकॉज इसको प्रोटेक्ट करना आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हमारा भविष्य, हमारा फ्यूचर सारा का सारा इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। फॉरेस्ट होंगे तो हमारी लाइफ हेल्दी होगी, लाइफ कंफर्टेबल होगी, फूड सिक्योरिटी होगी, मेडिसिन, न्यूट्रासिटिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स और हर प्रकार की जो नायाब जो औषधियां हैं वो हमें फॉरेस्ट से मिलती है। तो हमारा, मुझे लगता है, सबका दायित्व बनता है कि हम इनको प्रोटेक्ट करें और साथ ही साथ में एंजॉय भी करें।